उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार ने टेंशन में डाल दिया है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को इतने बड़े वोटों के अंतर से हराया जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन बीजेपी की हार के बाद अब राजनीतिक चर्चा का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि उपचुनाव में हारने के बाद बीजेपी आगे क्या रणनीति बनाएगी। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत को दुर्घटना करार देते हुए कहा कि बीजेपी 2024 के आम चुनावों में राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी, ओबीसी बीजेपी के साथ है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2019 के लोकसभा चुनावों में जब समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य ने मिलकर चुनाव लड़ा था तब भी उनकी पार्टी को यूपी में 51% वोट मिले थे। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में मौर्य ने हाल में दिए गए ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा, ओपी राजभर को ये नहीं कहना चाहिए था कि वो हाल ही में बीजेपी में लौटे हैं। दारा सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल होंगे। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ भी मुख्यमंत्री की ओर से ही आना चाहिए। इस दौरान मौर्य ने ये भी कहा कि घोसी उपचुनाव का परिणाम एक दुर्घटना था और पार्टी इससे सीख कर ये सुनिश्चित करेगी कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का कमल निशान खिल जाए। यही नहीं, मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी तेजी से समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। उन्होंने इंडिया गुट पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो नेतृत्वहीन है। उनका एजेंडा समाज को विभाजित करना है जिसमें वो सफल नहीं होंगे। अंत में दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीतेगी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 25 से ज्यादा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग के सांसद करते हैं। ओबीसी नेताओं का दावा है कि राज्य में ओबीसी की आबादी 56% तक है। इसमें यादव, कुर्मी, शाह के सैनी, राजभर और चौहान समेत अन्य समुदाय शामिल हैं। वहीं अब चर्चा इस बात की भी है कि घोसी में हारने के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कहने वाली डबल इंजन की सरकार कहीं लोकसभा चुनाव में फेल न हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।